नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर, डॉक्टर सुमन शेखावत, ज्योति विद्यापीठ वेमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा एंड फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विश्वाची जो है यह वात व्याधि के अंतर्गत उल्लेखित व्याधि है। वात रोग का इसके अंदर, वात दोष का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसको वात व्याधि के अंतर्गत रखा गया है। अगर इसके लक्षणों के आधार पे मॉडर्न से इसका जो है आज के परिप्रेक्ष्य में इसका कोरिलेशन देखें तो रेडियो अल्नर न्यूराइटिस एवं रेडियो अल्नर पैरालिसिस के साथ में इसका कोरिलेशन किया गया है। सर्वप्रथम जो है वात व्याधि विश्वाची के लिए कहा गया है अष्टांग हृदय जो है, या फिर ये जो सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने कहा है वात व्याधि विश्वाची के लिए, तलम प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठत है, बाहु कर्म शय करी विश्वाचीति हिंसा स्मृता। अर्थात आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि विश्वाची जो है एक तरह से हस्ततल जो है इसके जो अंतःभाग और इसकी कंडरा जो होती है उसके अंदर विकृति होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बाहुकर्म जो हमारा बाहु होता है उसके प्रसारण और आकुंचन के अंदर कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, बाहु के प्रसारण और आकुंचन के अंदर कठिनाई होती है। ठीक है, हाथ की जो पेशियाँ होती हैं उनका उनके अंदर क्षय होता है। इस प्रकार से विश्वाची जो है इसके लिए कहा गया है तलम प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठत है, बाहु कर्म क्षय करी विश्वाचिति ही सा स्मृता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे विश्वाची के निदान की बात करें तो जो भी वातवर्धक आहार विहार हमारे यहाँ बताए गए हैं, अर्थात जो वातवर्धक कारण है वो विश्वाची रोग की उत्पत्ति के अंदर सहायक होते हैं। जिस प्रकार की वात के प्रकोप के लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि रूक्ष आहार, शीत आहार, अल्पाहार, असात्म्य आहार, साथी घोड़ा ऊँट आदि की सवारी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग, अत्यधिक अध्ययन, अत्यधिक लेखन, अति धावन, अति उष्ण भाषण, और इसी प्रकार से जो जैसे अन्य जो हैं निदान अगर हम देखें तो एक जो है प्रॉपर शयन जो ना करना, ठीक है, सुखपूर्वक ना बैठना, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं जिनकी वजह से वात की वृद्धि होती है, नियमित भोजन ना करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं, खर हैं, कठोर हैं, रूक्ष हैं, इस प्रकार के आहार का सेवन करना या अति अल्प मात्रा के अंदर आहार का सेवन करना, ठीक है, अत्यधिक जो है जैसे भारी वजन को उठाना और ऐसा कार्य करना जिसकी वजह से हाथ में खिंचाव हो, हाथ से किसी भारी सामान को उठाना, तो इन कारणों की वजह से जो है विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती है। आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर चेष्टा वह कार्य, अर्थात जो हाथ की मांसपेशियां हैं उनसे मोटर फंक्शन नहीं हो पाने की वजह से विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती है। प्राय इसके अंदर रेडियल नर्व एवं अल्नर नर्व के पैरालिसिस के कारण हाथ का प्रसारण एवं आकुंचन नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अगर हम विचार करें तो ये विश्वाची रोग है ये तीन प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि प्रसारक पेशी कर्मशय अथवा बही प्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विश्वाची, जैसे रेडियल न्यूराइटिस और रेडियल पैरालिसिस, या फिर जैसे आकुंचक पेशी कर्मशय अथवा अंतः प्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विश्वाची, जैसे अल्नर न्यूराइटिस और अल्नर पैरालिसिस। अब यहाँ क्या होता है कि जो है जैसे ये अल्नर न्यूराइटिस हो सकता है, रेडियल न्यूराइटिस हो सकता है, या उभय पेशी कर्म क्षय हो सकता है, अर्थात उभय नाड़ी विकृति जन्य जो है विश्वाची की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे रेडियो अल्नर न्यूराइटिस और रेडियो अल्नर पैरालिसिस जो है उससे इसका कोरिलेशन किया जा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ जो है विश्वाची के सामान्य लक्षणों की बात करें
विश्वाची के अंतर्गत जो है जैसे हस्त तल एवं अंतर्भाग में कंडरा के अंदर विकृति की उत्पत्ति होती है, जैसे डिफॉर्मिटी यहाँ पे होगी, डिफॉर्मिटी ऑफ इन द मसल ऑफ द मीडियल जो है पार्ट ऑफ आर्म, ठीक है, या फिर बाहु के प्रसारण और आकुंचन के अंदर जो है कठिनाई होती है, जैसे डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ आर्म, हाथ की पेशियों का क्षय होता है जैसे वीकनेस इन द मसल ऑफ द आर्म, या यह रोग प्राय एक हाथ में होता है परंतु कभी कभी दोनों हाथों में भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम जो है इसके चिकित्सा की बात करें विश्वाची के अंतर्गत, तो यहाँ पे स्थानीय अभ्यंग एवं स्वेदन का प्रयोग बताया गया है, यहाँ पे नस्य का प्रयोग बताया गया है, और इस प्रकार से इसकी चिकित्सा बताई गई, इसकी चिकित्सा का उल्लेख आया है। जैसे हम यहाँ पे जो वात व्याधि शामक जो योग बताए गए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे योगराज गुगल या फिर वात गजांकुश गुगल जो है इनका, वात गजांकुश रस जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, या अगर इससे नहीं रोगी को लाभ मिलता है तो हम वात चिंतामणि रस या फिर वात विध्वंसन रस या फिर जो है वृद्धवात चिंतामणि रस इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम महारासनादि काढ़ा, रासना सप्तकवात, रासना दशमूल क्वात, कोक्षुरादि जो है दशमूल क्वात इनका प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट को जो अभ्यंग के लिए जैसे बला तेल का और रसोन तेल का प्रयोग कराया जा सकता है, या फिर जैसे बाह्य और अभ्यंतर जो है प्रयोगार्थ हम जैसे पेशेंट को जो है विषगर्भ तेल का, महाविषगर्भ तेल का जो है पेशेंट का अभ्यंगार्थ बाह्य अभ्यंगार्थ प्रयोग कर सकते हैं। रोगी के लिए योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल इस प्रकार के गुगुल का प्रयोग करके, या फिर शुद्ध कुपिलु का प्रयोग किया जा सकता है। अभ्यंगार्थ प्रसारणी तेल का यूज़ कर सकते हैं, स्वेदन के लिए दशमूल क्वाथ का यूज़ कर सकते हैं, रोगी को नस्य के लिए अणु तेल या महानारायण तेल का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार विश्वाची रोग की चिकित्सा की जाती है। यही है, आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय 2.0 डिजिटल वर्जन ज्योति विद्यापीठ वेमेंस यूनिवर्सिटी। If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.